हिना खान की नई फिल्म अनलॉक, हिना खान का नया लुक, सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर हिना का दुख और बॉलीवुड और टीवी में भाई भतीजा बात पर हिना के विचार पर, ये सब बातें आज हिना खान कर रही हैं सास बहू और बेटिया के साथ। लेकिन सबसे पहले हिना खान ने हमसे की खास बातचीत, जहां सबसे पहले हमने उन्हें उनके नए लुक के लिए मुबारकबाद दी। थैंक यू। ऐसे ही मेरे को कल दौरा पड़ा और मैंने काट दिए बाल, तो ये खुद से किया है? या आई कीप डूइंग सच स्टफ। ओके, सो नाउ यू नो वन मोर ऑप्शन। नहीं नहीं, झूठ बोल रही हूं। आई वांटेड टू चेक योर रिएक्शन। नहीं, मैंने खुद नहीं काटे हैं। देयर इज समवन इन आवर बिल्डिंग, ओके, उन्होंने किया है। इतना परफेक्ट कैसे कर सकती हूँ बाबा, खुद पॉसिबल? मैं यही सोच रही थी कि सीरियसली नहीं, आई वाज जस्ट चेकिंग योर रिएक्शन। हाउ आई थॉट यू विल से कि यू आर लाइंग, यू आर सेइंग नहीं नहीं, आई हैवंट डन इट मायसेल्फ। देयर इज अ लेडी आउट हियर इन माय बिल्डिंग, शी डिड इट एंड बहुत अच्छे से किया। या मैंने कहा अभी टाइम है, ग्रो हो जाएंगे वापस जब तक शूटिंग शुरू हो जाएगी। एंड एनीवे आई मीन वी हैव ऑप्शंस, वी कैन, वी हैव हेयर पीसेस, पैचेस, एवरीथिंग, वी कैन सॉर्ट इट आउट। वैसे नए लुक के साथ साथ उनकी एक नई फिल्म अनलॉक भी आने को तैयार है, जहां वो कुशाल टंडन के साथ देखेंगी। फिल्म का नाम है अनलॉक, जो Zee5 पर आएगी। हिना को बहुत दुख है कि हाल ही में हमारी इंडस्ट्री ने सुशांत सिंह राजपूत को खोया, और इसी के साथ न्यू कमर्स के स्ट्रगल की कहानियां भी सबके सामने आ रही है। तो हिना का क्या कहना है इस बारे में? Why would I deny? I mean, सुशांत unfortunate demise, मुझे you know, एक path उन्होंने हमारे लिए क्रिएट किया था। ही मेड वे फॉर ऑल ऑफ अस कि वी कैन ड्रीम बिग, एंड ही वाज फ्रॉम टेलीविजन। उन्होंने इतना स्ट्रगल किया है, उनकी जर्नी इतनी ब्यूटीफुल रही है, उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी फिल्में की हैं, एंड ही इज मेड अस प्राउड, ही इज मेड मी प्राउड। मैं हमेशा ये कहूंगी, और आई ऑलवेज टू लुक अप टू हिम। So whatever happened, leaving that aside, I don't want to talk about that, क्योंकि मुझे लगता है कि उनको उनका space मिलना चाहिए। हम सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं, जिस वजह से शायद उनके घर वालों को बहुत तकलीफ होती होगी। So उस चीज को साइड में रख के आई वुड से कि मुश्किल होगी, लोग थोड़े से डिस्करेज हुए हैं, बट उनके लिए मैं इतना ही कहूंगी कि सबकी अपनी जर्नी है। मेरी अपनी जर्नी है, किसी और की अपनी जर्नी है, आपकी अपनी जर्नी है। तो आई नो थोड़ा सा बुरा, मुझे भी 3-4 दिन लगे टू गेट बैक आफ्टर व्हाट हैपेंड, बट आफ्टर दैट आई डिसाइडेड इट्स लाइक दिस, एज आई ऑलवेज से, ये एक ऐसा गंदा डीप शिटी होल है, डार्क होल है, इट सक्स यू इन कम्प्लीटली। अगर आप अपने आप को उससे पुल आउट ना करें, आपको अपने आप को खींचना पड़ता है बाहर उस डार्क होल से। सो आई हैड टू डिसाइड कॉन्शियसली दैट आई हैव टू गेट आउट ऑफ इट। इट वाज literally getting onto my nerves. मैं सिर्फ इसी बारे में सोच रही थी और मैं डिप्रेस हो गई थी बहुत ज्यादा। So I think आपको अपने आप को इस चीज से बाहर निकाल के मेहनत करो, सही opportunities का इस्तेमाल करो, opportunities को जाने मत दो। If you have talent, if you're worth it, you will get it. Trust me, I so believe in it. अगर आप में है, आप करेंगे। If you have talent, if you want to work hard, you will get it. मैं सिर्फ अपने आप की बात कर रही हूँ, मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ। मुझे जब बोलना होगा मैं तभी बोलूंगी। सो आई वुड नॉट चूज अ सर्टन टाइम, भले ही मुझे हिम्मत मिल रही है या नहीं मिल रही है, मैं तभी बोलूंगी जब मुझे बोलना है। और उसके लिए कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। यू शुड हैव दैट स्ट्रेंथ इन यू टू कम आउट एंड टॉक अबाउट इट। आई डोंट थिंक किसी को कुछ भी अनफॉर्चुनेट, कुछ भी छोटा बड़ा अनफॉर्चुनेट होने की जरूरत है। अगर आप सही हैं, आपको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अब ये हुआ तो मुझे इससे स्ट्रेंथ मिली। ये मेरी सीख है, मेरे पीपल हु वॉच मी, पीपल हु लव मी। आई डोंट थिंक वी शुड वेट फॉर एनी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट टू हैपन एंड वेयर यू से लेटर। मैं उस चीज को इज्जत करती हूँ, पर आई स्टिल बिलीव, मुझे नहीं लगता है कि आपको फिर बोलना, ये बोलने की जरूरत है कि मुझे हिम्मत मिली। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे अंदर हिम्मत हमेशा होती है। अगर आप सही हैं, यू कम आउट एंड यू स्पीक, और साथ ही में एक्सेप्ट एंड जस्ट मूव ऑन इन लाइफ। आई थिंक आप
क्या हासिल कर रहे हो जिंदगी में इज मोर इम्पोर्टेंट देन हु इज ट्रोलिंग यू एंड हु इज टॉकिंग व्हाट अबाउट यू. व्हाई डोंट वी फोकस ऑन द पॉजिटिव साइड, द अप्रिसिएशन यू आर गेटिंग. व्हाई आर वी फोकसिंग ऑन मेरे फॉलोअर्स कैसे जा रहे हैं, मेरे मुझे ट्रोल किया जा रहा है, किसी यूट्यूब चैनल पे मेरे बारे में कुछ बोला गया है या फिर इंस्टाग्राम पे किसी ने मेरे बारे में कुछ बोला है. हाउ डज इट मैटर? इट डजंट मैटर. आई डोंट थिंक यू शुड really give it so much importance. For focus on your success, and that's what I do. I focus on my hard work. Or mujhe nahi, mujhe ab to mujhe after Big Boss, I think I don't know main kya ban gayi. Para ki. वैसे बॉलीवुड और टीवी में भाई भतीजावाद पर आरोप लग रहे हैं, ऐसे में हिना का क्या कहना है इस बारे में? किड्स एंड ऑल वी स्टार्ट जजिंग देम पहले फिल्म से, व्हिच इज अगेन रॉन्ग एट आवर पार्ट. की पहली फिल्म आई है वो भी इम्प्रूव करेंगे, बट द ओनली डिफरेंस इज कि वो होता है ना कि पत्थर को भी आप बहुत ज्यादा घिसेंगे तो वो भी सोना बन जाएगा. तो वो अपॉर्चुनिटीज उनको मिलती हैं तो इसलिए वो इम्प्रूव करते हैं. दे बिकम बेटर एक्टर्स एंड प्लस द काइंड ऑफ गाइडेंस ट्रेनिंग दे गेट. एंड शायद हमें भी अगर वैसी बैकिंग मिले तो शायद हम भी बहुत आगे जाए, बिकॉज हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है. अगर मैं अपनी एग्जाम्पल दूँ तो आई वुड से दैट आई एम लकी. आई एम स्टिल वर्किंग, आई एम डूइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्म, वेब, डिजिटल, एवरीथिंग पॉसिबल. देर आर एक्टर्स हु आर नॉट गेटिंग दीज अपॉर्चुनिटीज, यू नो. तो आई विश देर वॉज अ बैलेंस. I would say I wish there was a balance ki agar ek star kid launch ho raha hai aur usko 5 films ki backing hai, ek nahi chali to dusri nahi chali to teesri. I wish we were given at least 3, right? Okay. I wish there was a balance. See, I am had I been a superstar or chalo I am maybe an average name in television, and tomorrow if I have a daughter, films ki baat nahi karte, if I have a daughter, I would definitely want कि उसको कोई टीवी का बड़ा प्रोड्यूसर ब्रेक दे और वो एक बड़ा शो करे, राइट? तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई खामी, इसमें कोई कमी. एक डॉक्टर का, डॉक्टर चाहेगा उसका, अपनों को तो सपोर्ट करते ही है. या एक डॉक्टर चाहेगा कि उसका बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर चाहेगा उसका बच्चा इंजीनियर. वैसे एक एक्टर, बड़ा एक्टर चाहता है उसका बच्चा एक्टर बने, बट उससे प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम इक्वल अपॉर्चुनिटी से है. बैलेंस. लोग प्रिविलेज्ड है जो स्टार किड्स है या फिर जो इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं या फिर जिनके कनेक्शंस हैं, वो लोग प्रिविलेज्ड हैं. उनको 10 फिल्मों की बैकिंग है. उनको अगर उनकी एक फिल्म नहीं चली तो इफ आई डू अ फिल्म टुमारो, इफ आई डू अ बिग फिल्म एंड इफ इट डजंट वर्क, आई माइट नॉट बी गिवन सेकंड चांस, राइट? आई वुड परहैप्स बी टोल्ड दैट्स द वे आउट, डार्लिंग. सो फॉर देम इफ देयर फिल्म डजंट वर्क, दे हैव अनदर फिल्म रेडी. And then they have another film ready. They have another film ready. So that's the difference. जो हमें नहीं मिलता है वो कहते हैं ना, कोई भी पहले से talented नहीं होता है. आप अगर किसी में star kid की बात करूं, हम उनको अपनी उनकी पहली फिल्म से judge करना शुरू करते हैं. जब मैंने टीवी सीरियल में काम किया, मैं आज अपनी first episode की performance उठा के देख लूं और अपनी आज की performance उठा के देख लूं, there is a difference. हिना ने सीरियल्स किए, रियलिटी शोज की, फिल्में की और वेब शोज किए, यानी ढेर सारी चीजें वो आजकल कर रही हैं. तो उनके नए प्रोजेक्ट के लिए बहुत बहुत बधाई. आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि 27th of June इट इज गोना प्रीमियर ऑन Z5 एंड आप सब लोग देखें अनलॉक. इट्स अ फिल्म, इट्स अ डिजिटल फिल्म बाय Z5 ओरिजिनल्स. आप लोग देखें, आप लोग को अच्छी लगी तो प्लीज मुझे बताइएगा एंड डू वॉच द फिल्म. थैंक यू. Bye. Thank you. मुंबई से श्रुति बजातिया के साथ आज तक भी रहो.